हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल सुनिधि ब्लॉग्स एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। घर ही में रहिएगा, बाहर मत जाइएगा। तो आज दिन है थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है। तो मैं पूजा वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। तो लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ भिंडी की एक यूनिक सी सब्जी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे धैर्य रो रहे हैं, देख लीजिए, बहुत रोंदू हो गए हुए हैं, बहुत रोते हैं। क्या हो गया? बस इनको गोद में ही रहना है, नीचे बिल्कुल भी नहीं रहना है। मम्मा को बस परेशान करते ना। हेलो बोल दो। नहीं बोलोगे लोलू, नहीं बोलोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोग रेसिपी, मैं आप लोग साथ शेयर करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल में 3 बड़े चम्मच बेसन, उसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लहसुन, 5 से 6 लहसुन को छील के मैंने कूट लिया था। और फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक या फिर आधी छोटी चम्मच। और बस इन्हें पानी डाल डाल के इनका घोल तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पे घोल बन के तैयार है। तो ग्रेवी के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे मैं ली हूँ 2 प्याज, सरसों, 1 लहसुन और 2 टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, और 1 टमाटर को ऐसे बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैं ली हूँ भिंडी, जिसको मैं इस तरीके से कट की हूँ। आप भी इसी तरीके से कट करें, धो के पोंछ के तब मैं इसे कट की हूँ। इधर मैं ले ली रही हूँ कढ़ाई, कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो उसमें मैं डाल दे रही हूँ तेल। और इधर मैं बेसन में डाल दे रही हूँ भिंडी, और उन्हें बेसन से अच्छे से कोट कर लूँगी। यहाँ पे तेल हमारी जो है वो गर्म हो चुकी है, तो मैं इसमें एक एक करके सारे भिंडी को डाल दूंगी। सारे नहीं, थोड़े थोड़े करके मैं फ्राई कर लूँगी भिंडी को। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करनी है हमें, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो बस भिंडी फ्राई हो रही है, ये सब्जी टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप लोग फ्राई कर सकते हो। तो बस इन्हें मैं इस तरीके से निकाल ले रही हूँ, ये फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे कढ़ाई पे रोक के निकालने से एक्सेस जो ऑयल होते हैं वो कढ़ाई में वापस चले जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं सारे भिंडी को फ्राई कर लूँगी। और यहाँ मेरे सारे भिंडी फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं ग्रेवी बनाऊँगी। तो कढ़ाई में तेल बचा हुआ है, उसी में मैं डाल दे रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच मेथी। मेथी हल्की सी चटकने लगे तब मैं उसमें ये पीसे हुए मसाले डाल दे रही हूँ, टमाटर, लहसुन और प्याज वाले जो मसाले हैं वो उसमें डाल दे रही हूँ। और फिर एक कटे हुए जो टमाटर थे वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में बस हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड करूंगी। लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें, मैं थोड़ा ज़्यादा तीखा खाती हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डाली हूँ, और नमक भी डाल दे रही हूँ। बस अब इन मसालों को बहुत अच्छे से भून लेनी है हमें, क्योंकि मसाले जितने अच्छे से भूनेंगे सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो बस मसाले को इतने देर तक भूनना है जितना देर में तेल अलग होने लगे। तो ये देखिए मेरे मसाले से तेल अलग होने लगा है, मतलब मसाला एकदम परफेक्ट भून चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें, जितना पतला या गाढ़ा आपको ग्रेवी पसंद हो उतना पानी आप ऐड करें। तो बस मैं पानी ऐड कर दी हूँ। अब इसे ढककर मीडियम हाई फ्लेम पे बॉयल होने आने तक पकानी है। तो बस ये देखिए बॉयल आ चुकी है ग्रेवी में। तब अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं वो भिंडी जो मैंने फ्राई करके रखा था। तो बस भिंडी डालने के बाद इसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से। और अब इसमें डाल दूंगी कटी हुई धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने से कोई भी सब्जी का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो बस अब ढक के इसे 2 से 3 मिनट पकानी है। और देखिए 2 से 3 मिनट बाद भिंडी की जो सब्जी है वो बनके तैयार है, दिख रही है ना यम्मी। तो बस यहाँ लंच करने के बाद धैर्य आ गए हैं मस्ती करने के लिए, और पानी वाला पानी देकर गया है तो मुझे बोतल धुलना है। तो मैं गुनगुना पानी लेकर आ गई हूँ, जिससे मैं बोतल को धो लूँगी, साबुन लगा के अच्छे से धो लूँगी, आगे पीछे नीचे हर तरफ से बहुत अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि कोरोना वायरस का जो खतरा है वो पता नहीं कहाँ कहाँ से ये बोतल आता है। तो मैं अच्छे से इसे धुल के ही
यूज करती हूँ और धारे को तो पानी उबाल के पिलाती हूँ, और मैं भी पानी गर्म करके उसके बाद ठंडा करके पीती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करें। तो बस यहाँ पे बॉटल धुल चुकी है, अच्छे से मैं इसे धुल ले रही हूँ हर तरफ से। बाहर से कोई भी सामान आए तो आप उसे घर में धो ही कर यूज करें। और यहाँ धैर्य की मस्ती भी चल रही है, उसे मैं बोल रही हूँ बार बार साइड में जाने के लिए, पर वो मानता नहीं है बात। बस धुल चुकी है बोतल, उसे मैं साइड कर दी हूँ। अब मैं धैर्य को उठा कर इधर रख दे रही हूँ क्योंकि पानी पानी हो गया है उधर। और बस मैं वाइपर से पानी को बाहर की ओर निकाल दूंगी ताकि धैर्य फिसल कर गिरे ना। वैसे धैर्य डरता है अगर पानी गिरा हो तो, वहाँ पे अगर वो स्लीपर नहीं पहना है तो नहीं जाता है क्योंकि उसे डर लगता है कि वो फिसल कर गिर जाएगा। और ये देखिए यहाँ धैर्य कैसे नहीं नहीं बोल रहा है। तो इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं ब्लॉग कैसा लगा, या फिर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस यहाँ इवनिंग का टाइम हो रहा है, 4 बज रहा है, तो मैं लेकर आ गई हूँ छत से कपड़े। इतने सारे कपड़े आज मैं धुली थी तो बस सब कपड़े सूख चुके हैं और धैर्य भी सो रहा है, तो मैं बस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी जल्दी इसे फोल्ड करके इन्हें इनकी जगह पर लगा दूंगी। तो बस मैं फोल्ड कर ले रही हूँ कपड़े। कपड़े को आप अगर इस तरीके से फोल्ड करेंगे हाथ से, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करते हुए, तो बहुत अच्छे से कपड़े फोल्ड हो जाते हैं। और आपको अगर आप प्रेस नहीं भी करते हो तो भी कपड़े में वो नहीं रहती है। और बस मैं इसी तरीके से सारे कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। मैं कपड़ों को धुलते वक्त सीधा रखती हूँ, मगर छत पे जब डालती हूँ धूप में तो उसे उल्टा करके डालती हूँ ताकि उनका रंग ना जाए, और फिर मैं उसे सीधा करके फोल्ड करती हूँ। सारे कपड़ों के साथ मैं यही करती हूँ, आप लोग देख ही रहे हो। और जैसे मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ, मेरी मदर इन लॉ को मेरे कपड़े फोल्ड करने के जो तरीके हैं बहुत पसंद आते हैं, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। वो कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे से कपड़े फोल्ड करती हूँ। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ कपड़े। तो बस मैं एक एक करके सारे कपड़ों को फोल्ड कर लूंगी। तो ये देखिए मैं चादर को किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ हाथ से, वो करते हुए सीधा करते हुए मैं चादर को फोल्ड कर रही हूँ ताकि मैं इसमें अगर आयरन ना भी करूँ तो भी ये बहुत अच्छे से लगे कि हाँ आयरन किया हुआ ही है। और ये देखिए कितने अच्छे से फोल्ड हो चुका है, इसे कोई नहीं कह सकता है कि ये आयरन नहीं किया हुआ है। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। चादर धैर्य के, ये टी शर्ट है, ये पैंट है, ये नाइट सूट है, धैर्य का सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। बस मैं इसी तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ कपड़ों को और बस उठा उठा के उनके जगह पर लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं शाम का दिया कर चुकी हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए मेरे घर का छोटा सा मंदिर। मैं पहले कभी नहीं दिखाई थी आप लोगों को, पहली बार दिखा रही हूँ। तो बस यहाँ बन रहा है इवनिंग का चाय, तो मैं चाय में ऐड कर रही हूँ चीनी, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची एक कुटी हुई, और बस जब दूध बॉयल होने लगेगा तब मैं इसमें डाल दे रही हूँ चाय पत्ती, और बस अब दूध को अच्छे से बॉयल होने दूँगी चाय को। और मैं स्नैक के लिए आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बस मैं पापड़ को फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे मैं तेल गर्म कर ले रही हूँ कढ़ाई में, और यहाँ पे आलू के पापड़ मैं फ्राई कर ले रही हूँ। आलू के पापड़ मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मैं अपने लिए मूंग दाल का पापड़ फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं आलू का पापड़ नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ पापड़ और चाय बन के तैयार है, तो आप लोग इन्हीं का स्नैक कर लीजिए। ऐसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ पर आज मुझे मन किया कि मैं थोड़ा सा चाय पी लूँ, तो मैं अपने लिए भी चाय बना ली हूँ। तो गाइस अभी शाम के 6:30 का टाइम हो रहा है और मैं दिया बत्ती कर ली हूँ, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा वीडियो में। शाम का चाय भी बन गया है और थोड़ा बहुत जो स्नैक हो वो भी बन चुका है। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए बिंदी कहाँ चली गई है, पता ही नहीं चलता है काम में। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग। तो फिर मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।